स्टूडेंट्स हमने जो भी अब तक ओरिएंटेशन की है अब हमने इसको देखना है वी आर जस्ट हैविंग यू नो ओवर डिस्कशन विद डिफरेंट आस्पेक्ट्स जो सोशल एनालिटिक्स है जो सोशल मीडिया का एनालिटिक्स है या जो सोशल ग्राफ्स का एनालिटिक्स का उसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं हमें तो थोड़ा सा इस मॉड्यूल में हम उस एंगल से इन चीज़ों को देखेंगे देखिए कि ह्यूमन बींग यू नो वी आर कॉल्ड सोशल एनिमल्स और इंसान की जो लाइफ है बेसिकली इट रिवॉल्व्ज अराउंड आप ये कह लें कि एक सोशल नेटवर्क पे हमेशा डिपेंड करती है इंसान के जो कह लें ले right? कि बर्थ से लेके डेथ तक वी आर डिपेंडेंट ऑन पीपल राइट आप आपकी फैमिली है फ्रेंड फिर वो स्कूल जाते हैं यूनिवर्सिटी जाते हैं बिजनेस करते हैं या जो भी आपकी इंटरेक्शन होती है तो बेसिकली बीइंग ह्यूमन वी आर यू नो पार्ट ऑफ सम सोशल नेटवर्क उससे हम डेफ़िनेटली बहुत सारे जो एडवांटेज़ भी ले सकते हैं और उसके कुछ डिसएडवान्टज यहाँ पे मे बी आई विल नॉट कॉल ए लिमिटेशन डिसएडवानटेज भी हो सकता है क्योंकि अगर खुदा ना खासता आप किसी एक ऐसे नेटवर्क में हैं विच इज़ नेगेटिव इन एनी वेज तो यू कैन हैव अगेटिव इम्पैक्ट ऑन देट तो उन इन चीज़ों तो य, ये ये है किसके जो इस एंगल से भी इन चीज़ों को और आज कल जो सोशल नेटवर्क हैं दे आर बीग यूज फॉर नेगेटिव एक्टिविटीज़ एज़ वेल और जिनके बड़े सवियर किस्म के इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं तो यू हैव टू बी ऑलवेज़ वेरी वेरी केयरफुल और फिर ये जो इसका एनालिसिस है ये बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट करता है टू सेग्रीगेट उन चीज़ों को मोनिटाइज करने में और इसके अंदर डिफरेंट तरह के जो एनालिटिकल कैपेबिलिटीज़ है हमारे नेटवर्क ग्राफ्स के अंदर उनको यूज़ हम कैसे करते हैं क्यों करते हैं कब करते हैं तो दिस बिकम्स एज ए सैड आपके लिए जैसे जैसे हम इसके मॉड्यूल्स क्योंकि ये देखिए बहुत सारी चीज़ें विच इज़ यू आर पार्ट ऑफ़ इट एक्चुअली अगर सोशल मीडिया के जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं यू आर पार्ट ऑफ इट आप उसको यूज़ करते हैं तो आपको इन चीज़ों को इन्विजन करना अंडरस्टैंड करना आपके लिए ज़्यादा ईजी है एज कम्पेयर टू जब हम कोई हेल्थ साइंस की या किसी और टॉपिक की बात करते हैं जहाँ पर आपको यू डू हैव नो आइडिया कि वो डाटा प्रोड्यूस कैसे होता है वो डाटा जनरेट कैसे होता है तो कम अज़ कम इसमें यह एडवाटेज ज़रूर है कि यू आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ़ दिस वन और टू और मोर ऑफ़ नेटवर्क राइट अच्छा अब इसमें आप डेफिनेटली यू आर कनेक्टेड विद द पीपल अराउंड द वर्ल्ड हमें कोई लिमिटेशन नहीं है हमने ये देखा अभी जब जब डिफरेंट uh, जो हमने ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को डिस्कस किया तो मैंने एक आपके साथ पूरा वर्ल्ड का शो किया आपको करवाया जिसमें हमने देखा कि लिंकड के जो यूज़र हैं दे आर फ्रॉम ऑल कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड राइट जहाँ जहाँ पे भी ह्यूमन बीग्स हैं वहाँ वहाँ से लोग उसका हिस्सा है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं यू कैन गेट कनेक्टेड विद एनी वन और आपको ये इसमें ये मिलेगा कि जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई हैव यू नो लिव्ड इन मैनी कंट्रीज तो मेरे जो कनेक्शन है सो, सोशल मीडिया पे या जो मेरा सोशल नेटवर्क है मीडिया इसको थोड़ा सा लिमिटेड कर देता है जस्ट ऑन क्योंकि ये जो एक जनरल टेक्नोलॉजी है ना सोशल मीडिया उसको हम बस इसी तक कन्फाइन कर देते हैं फेसबुक यूट्यूब वगैरह पे लेकिन ऐसा नहीं है मैंने शुरू में आपको तीन जो ब्रॉड कैटेगरीज बताई थी फ़ोन है ई है और फिर ये सारे आपके या इंटरनेट की जो जितनी भी वेबसाइट्स हैं प्लस ये आपके जो ये ये जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं तो अब इससे हमें ये अब जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो आई एम डेफिनेटली कनेक्टेड इन ऑल दी कॉन्टिनेट आई एम कनेक्टेड इन यूरोप आई एम कनेक्टेड इन नॉर्थ अमेरिका आई एम कनेक्टेड इन यू नो अफ्रीका मिडल ईस्ट इवन रशिया एंड चाइना एज वेल तो नाट ऑल कंट्रीज़ बट अगर हम ब्रॉडर लेवल पर देखें तो ऑल पार्ट्स ऑफ द बट इसी तरह आप लोग भी यकीन कनेक्टेड हैं डिफरेंट जो एरियाज हैं दुनिया के और फिर अपने सब्जेक्ट के हिसाब से अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप लोग उसमें होते हैं कनेक्ट तो उससे फिर बेशुमार बेनिफिट हैं जो कि हम लोग जनरेट कर सकते हैं इसमें राइट जैसे आपकी बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं अब आप ये देखिए कि आप कोई भी चीज़ इंटरनेट पे सेल करते हैं थ्रू योर यू नो मे बी ई बे का अकाउंट आप इंस्टाग्राम पे सेल करते हैं फेसबुक के थ्रू भी लोग चीज़ें सेल करते हैं अपनी सर्विस से सेल करते हैं आई पर्सनली नो कि एक बंदा आजकल आप देखिए कि फ्री लेंसिंग का बहुत ज़्यादा जो है ना इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू एज़ वेल कि फ्री लेंसिंग की जो है ना बहुत ज़्यादा मार्केट है वर्ल्ड ओवर और ये स्पेशली पिछले दो सालों में आफ्टर कोविड इवन ड्यूरिंग ड्यूरिंग कोविड इसने बहुत ज़्यादा यू you नो know, हाई पाई है इस मार्केट में बहुत ज़्यादा क्योंकि लोग दे वर नॉट ट्रैवलिंग टू द ऑफिसज़ इंटरनेशनल ट्रैवल भी रुका हुआ था लोकल ट्रैवल पे भी बहुत कम था लोगों का यू you नो know, लोग अवॉइड करते थे एज पार्ट ऑफ द प्रीकॉशनरी मैय तो जो फ्री लांसिंग का काम है इसने बहुत ज़्यादा पिक किया अब इस वक्त हमारे पास इस तरह के बेशुमार केसेस हैं के सम वन सिटिंग इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री वो यूरोप के लिए अमेरिका के लिए या मिडल ईस्ट के लिए लोग काम करते हैं वो उनका वेबसाइट्स बना के दे रहे हैं उनके लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं वो उनकी अकाउंटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो उनकी जो लॉजिस्टिक की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कॉल सेंटर का अब जो जैसे कॉल सेंटर है ये सारे का सारा आपका सोशल मीडिया पर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं स्मॉलर प्लेटफॉर्म्स हैं लेकिन वो सोशल मीडिया इज़ डेफिनेटली पार्ट ऑफ इट या जो सोशल इंट्रैक्शन है वो उसका हिस्सा है तो ये इसके बेनिफिट्स हैं बेसिकली डिफरेंट जो आपके जो सोशल मीडियाज़ के कि आप उसको किसी भी एंगल से देखें तो कमिंग बैक टू माई पॉइंट वट आई वॉज ट्राइंग टू इस्टेब्लिश कि जो फ्री लेंसिंग की मार्केट है इस वक्त दुनिया में इट इज़ पिकिंग अप राइट और उसका एक जो मेजर वो जो उससे एक जो चीज़ बनी है दैट इज़ अ न्यू सोशल नेटवर्क और ऐसी इस वक्त वेबसाइट्स हैं फ्री लास् और अपवर्कस और कई ऐसी हैं को लोकेशन समथिंग लाइक दिस जहाँ पे जाके लोगों ने अपने जो सीवीज अपलोड किए हैं वहाँ पे वो बोर्ड्स बने हुए हैं पूरे लोग जॉब पोस्ट करते हैं और स, वो सॉर्ट sort ऑफ of एक प्लेटफॉर्म या एक्सचेंज बन गया है जहाँ पे लोग कलेबोरेट करते हैं और बिजनेस वो एंड इट इज़ जनरेटिंग लॉट ऑफ मनी बहुत सारा बिज़नेस जनरेट हो रहा है कि अभी येस्ट आई रिसीव्ड अ कॉल के किसी ने आ, पाकिस्तान में काम आउटसोर्स करना है जर्मनी से एंड द नीड टू बाई सम लैपटॉप्स दिस अ रियल केस जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस तरह के बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं जो कि आप इसको अंडरस्टैंड uh, करेंगे और शेयर करेंगे एंड यू विल अंडरस्टैंड एंड यू विल एप्रिश कि सोशल मीडिया या जो सोशल नेटवर्कस हैं ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं है कितना बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं पूरी दुनिया की जो इकानमी है उसके अंदर और ये क्राइम इन्वेस्टिगेशन हेल्थ केयर प्लानिंग एजुकेशन सोशली और अच्छा एक बड़ा ये जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है कि बहुत सारे लोग हमारी सोसाइटी में लोग शाही होते हैं इवन सम एल्डरली पीपल दे वांट टू इंटरेक्ट विद द यंगस्टर्स वो नॉर्मल लाइफ में यू नो फिज़िकली इट इज़ डिफ़िकल्ट लेकिन ऐसे लोग जो शाह वो भी फिर सोशल मीडिया पर जाके बड़े एक्टिव होते हैं उनको फिर उससे ये भी एक एडवांटेज मिलता है कि जो उनका हिडन टैलेंट है उसको वो लोग फिर यू नो डिस्प्ले कर सकते हैं देन उसकी बेस पे वो कोई ना कोई पॉजिटिव जो एक्टिविटीज़ है फर्दर जनरेट कर तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है सोशल मीडिया का कि आप जो ऐसे लोग जो फ़र्ज़ करें उनके अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस कम है पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकते जाके लोगों में बात नहीं कर सकते वो फिर सोशल मीडिया के थ्रू अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं और लोग करते हैं एंड दिस इज़ वेरी वेरी यू नो प्रैक्टिकल एंड इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ ये जो जो हमारे पास जो डिफरेंट सोशल नेटवर्क्स हैं उनका डेफिनेटली ये तो हम साथ साथ डिस्कस कर कर ही रहे हैं कि जो बिज़नेस भी इससे जनरेट हो रहा है और इसके अंदर इसके बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि स्पेशली बिजनेस रिलेटेड है और इवेंचुअली देखिए एवरी वन हैज़ टू अर्न मनी और उसके ये जैसे मैंने फ्री लेंसिंग की बात की आप और उस जो हमने एडवर्टाइजिंग की बात की ये जो डिफरेंट आपके फूड के जो आपके प्लेटफॉर्म्स हैं ये सारे बेसिकली देर देर स्मॉलर पार्ट्स ऑफ ये जो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं हर एक के अपने बेनिफिट्स हैं कोलेब्रेशन भी आप उनसे करते हैं आप चीज़ें खरीदते हैं बेचते हैं और फिर आप एक ऐसी जो ना इकोनॉमी इकोनॉमिकल जो एक्टिविटीज़ हैं वो जनरेट करते हैं विच आर पॉजिटिव फॉर एवरी वन